महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को 11 महीने हुए हैं और इन 11 महीनों में उद्धव एक के बाद एक कई मुश्किलों में भिड़ गए। सरकार पर कई हमले होते रहे लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौन रहे। लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे ने अपना मौन कल दशहरा रैली में तोड़ा। कल उद्धव ठाकरे गर्जे, उद्धव ने नाम लिए बिना विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर दम है तो महाराष्ट्र की सरकार को गिरा कर दिखाओ। शिवसेना की दशहरा रैली इस बार बेहद अलग थी। पहली बार रैली की जगह बदली, पार्टी की पोजीशन बदली और शिवसेना सुप्रीमो की बोली भी बदल गई। 38,000 कोटी शिवसेना की जो दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होती थी वो इस साल शिवाजी पार्क मैदान के सामने सावरकर ऑडिटोरियम में हुई। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ये पहली दशहरा रैली थी। उद्धव मंच पर आए और आते ही विरोधियों पर बरस पड़े। ताल ठोक कर ऐलान किया, विरोधियों में हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार गिरा कर दिखाए। ये लोग तारीख पर तारीख दे रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बना हूँ तब से रोज तारीख दे रहे हैं। जिस दिन से सीएम बना हूँ रोज कहते हैं आज सरकार गिर जाएगी, कल सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी। मैं उनको आज भी कहता हूँ हिम्मत है तो सरकार गिरा कर दिखाओ। करीब 42 मिनट के अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने न ही मोदी का सामना किया और न ही बीजेपी के किसी और नेता का, बस इशारों ही इशारों में वार करते रहे। कोरोना आया तो घंटी बजाने लगे, थाली पीटने लगे, यही आपका हिंदुत्व है। मुझे किसी ने कहा कि अगली बार फ्रॉग जंप करने के लिए बोलेंगे। उद्धव ठाकरे जिस खिचड़ी सरकार को चला रहे हैं उस सरकार को अभी एक साल भी नहीं हुआ है। इतना कम समय होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक विवादों में फंसती गई। सबसे ताजा मुद्दा मंदिरों को खोलने को लेकर है। उद्धव ने मंदिरों को हिंदुत्व से जोड़ा और कहा उनका हिंदुत्व संकुचित नहीं है।